हेलो गाइस, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था साकेत। साकेत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरा बॉयफ्रेंड पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे बहुत खुश भी रखता था, लेकिन मैं पिछले 6 मंथ से नोटिस कर रही थी कि मेरा बीएफ मुझे इग्नोर करने लगा है। वह मुझे पहले की तरह टाइम नहीं देता है, वह मुझसे पहले की तरह अटेंशन नहीं देता है। फिर एक दिन मैंने उसका इंस्टा आईडी चेक किया, फिर मैंने नोटिस किया कि कोई प्रिया नाम की लड़की है जो साकेत के सारे पोस्ट में कमेंट्स की है, वो भी किसिंग वाला इमोजी डाल के। मैंने सोचा कि एक नॉर्मल फ्रेंड तो ऐसा टाइप का कमेंट नहीं करेगी। फिर मेरा एक दिन जब उससे बात हुआ, तब मैंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है? मुझे पहले की तरह टाइम नहीं देते हो, मुझसे पहले की तरह बातें नहीं करते हो, ऐसा क्या हुआ है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? फिर मैंने प्रिया के बारे में भी पूछ दिया कि ये प्रिया कौन है। उसने बताया कि प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने बोला कि देख, तेरा मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों का शादी नहीं हो सकता, हम दोनों का कास्ट भी अलग है, घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए तू अपनी लाइफ में खुश रहे और मैं अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ। फिर मैंने भी बोला कि मेरा कास्ट तो पहले भी सेम था और अभी भी सेम है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि मना कर रहे हो? तब उसने कहा कि देख, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो भी मेरे कास्ट की है, मैं अब उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद साकेत ने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। समझ नहीं आया कि क्या करूँ। मैं उसके साथ पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में थी। हम पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो रहे थे। वैसे तो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में मैंने अपने बीएफ को फिजिकल होने नहीं दिया, बट वह बार बार एक ही बात बोलता था कि तेरे साथ रोमांस नहीं करूँगा, तुझे किस हग नहीं करूँगा, तेरे साथ फिजिकल इंजॉय नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। मेरे सारे फ्रेंड्स अपने जीएफ के साथ फिजिकल इंजॉय करते हैं, उन्हें किस हग सब करते हैं, उनको ओयो लेकर जाते हैं, पर तू तो कुछ करने ही नहीं देती है। मुझे भी कहीं ना कहीं उसका बात सही लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी का कमिटमेंट तो दिया ही है, तो फिर फिजिकल होने में क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम तो उसको सिर्फ किस करने ही दिया था, बट फिर हम दोनों कब पूरा फिजिकल होने लगे मुझे तो पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि मैंने उसको अपना न्यूड फोटो भी दिया था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे बार बार मेरा न्यूड फोटो मंगा। वह बोलता था कि मुझे चाहिए ताकि 20 साल बाद भी मैं देख सकूँ कि मेरी जीएफ कितनी हॉट थी। मेरे घर में भी पता था कि मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं किस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ उनको ये बात नहीं पता था। बस घर वाले इतना जान रहे थे कि मैं किसी न किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में। मैं मूव ऑन तो नहीं कर पा रही थी, हम दोनों इतने साल से रिलेशनशिप में थे और फिजिकल हो रहे थे। मैंने सोचा कि कोई न्यू बीएफ बना लूँ क्या, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसको अपना सारा सच बता दूँगी तो वो मुझे तो कभी अपनाएगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं उसे ये बात छुपा दूँगी तो चीटिंग करने वाली बात आ जाएगी, जो कि मैं किसी लड़के को धोखे में नहीं रख सकती थी। फिर मैं अपना केस सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बाबा से बात किया, कुछ तांत्रिक लोगों से बात की, लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। इसके चक्कर में मेरा पूरा हेल्थ डाउन हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मुझे सुसाइड के भी थॉट्स आने लगे थे, मेरा मेंटल हेल्थ पूरा ख़राब हो चुका था। फिर मुझे एक दिन यूट्यूब में शिवांगी दीदी का चैनल मिला, वहाँ से मुझे शिवांगी दीदी का इंस्टा आईडी भी मिल गया। फिर मैंने शिवांगी दीदी को इंस्टा में डीएम किया, फिर शिवांगी दीदी ने मेरी नॉर्मल रीडिंग की, से उतना एक्यूरेट कुछ पता नहीं चला, फिर दीदी ने मेरी थर्ड आई रीडिंग की। थर्ड आई रीडिंग से पूरा पता चला कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके यहाँ तक बता दिया कि किस लड़की के साथ वह रिलेशनशिप में है, पर वह खुद ही उसको छोड़कर चली जाएगी एंड तुम दोनों के बीच फुल फिजिकल रिलेशनशिप है। फिर दीदी ने मुझे स्नेहवर्धक बूटी सजेस्ट किया और कुछ टेक्निक करने को बोला। दीदी ने भी मेरे लिए कुछ सीक्रेट टेक्निक्स की। दीदी ने जैसा जैसा बोला मैंने सब कुछ उसको फॉलो किया। फिर मैंने एक दिन नोटिस किया कि साकेत ने मुझे अनब्लॉक किया था। इस चीज़ को देखकर मैं थोड़ी सी खुश हुई और मैंने यह बात दीदी को बता दी। फिर दीदी ने मुझे
बोला कि देख उसको सामने से कभी मैसेज मत करना। दीदी ने मुझे पहले ही समझा रखा था कि सामने से मैसेज नहीं करना है। फिर एक दिन मुझे मेरे BF का अचानक से कॉल आया, मेरी उससे बात हुई। उसने मुझसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। वह बहुत रो रहा था। उसने मुझे बताया कि प्रिया मुझे छोड़ के चली गई। उसके छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी के छोड़ देने का दुख क्या होता है। मुझे मेरी सारी गलतियों का बहुत पछतावा है। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं भी साकेत से बहुत प्यार करती थी। मैं भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने मुझे खुद कहा कि वो हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बात करेगा। अब साकेत मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत सही चल रहा है। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरा प्यार मुझे लौटा दिया। थैंक यू सो मच दीदी, आपके वजह से आज मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ। आपके वजह से मेरा प्यार मेरे पास वापस लौट कर आया है। थैंक यू सो मच शिवांगी दीदी, थैंक यू सो मच।